हिंद, मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। आज गढ़वा का एक खूबसूरत चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, चारों तरफ आप देखेंगे तो मानो ऐसा लग रहा हो जैसे शादी विवाह के घर में हम लोग मौजूद हैं, लेकिन ये शादी विवाह का घर नहीं है बल्कि एक समरणालय है जो गढ़वा को जो है 3 तारीख को सौंपा जाएगा। और इसकी भव्य देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत और सजावट जो है जिस हिसाब से तैयार किया गया है, पूरा वहाँ से स्टार्टिंग से अगर आप देखिएगा तो पूरा लाइट जिस हिसाब से फिट किया गया है, जिस हिसाब से लाइटिंग की सजावट की गई है, मानो ऐसा लग रहा होगा जैसे स्वर्ग जो है गढ़वा में उतर गया हो। और ये स्वर्ग का जो है दृश्य हम आपको दिखाने का कोशिश करें। ये पहली बार ग्रीन लाइन न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्टिंग हो रहा है और इतनी भव्य तरीका से, और ये समरणालय का हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये गढ़वा में जो है एक स्वर्ग उतर चुका है, उस हिसाब से इसका सजाया धजाया गया है। जो आप इसका समरणालय का आप देखें, ये इसका चारों तरफ से अगर देखेंगे तो एक भव्य तरीका से माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट आया था जो झारखंड में ऐसा समरणालय कहीं भी नहीं है, एकमात्र गढ़वा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इतनी बड़ी भव्य तरीका से जो है एक समरणालय बना हुआ है। इसके बाद अगर दूसरी ओर जाएंगे तो ये रोड के इस पार है, अपोजिट साइड, इसके दूसरी साइड में अगर आप जाएंगे तो एक जो है एक बहुत बड़ा इधर भी जो है आपको सजाया हुआ आपको मिल रहा होगा, आगे में जो है पेड़ पौधा लगा हुआ मिल रहा होगा। दूसरी बात, सबसे खास बात आपको दिखा रहे हैं, पेड़ पौधा के किनारे में देखिए एक लाइटिंग लगी हुई है जो पेड़ को जो फोकस कर रहा है, जो लाइटिंग फोकस कर रही है, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा होगा। जैसा कि हम आपको बताएं जो स्वर्ग जो है गढ़वा में उतर चुका है, ये पूरा दृश्य देखिए। और ये जो है आपका बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क है, ये हेलीपैड भी है अंदर में अगर आप जाएंगे। जैसे 3 तारीख का जब उद्घाटन होगा, गढ़वा के लोग जो है इस पार्क में आना जाना चालू कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सजावट, कितनी अच्छी खूबसूरती है। और ख़ास तौर पर ये भी हम आपको बता दें, पार्क के अंदर जैसे आप जाएंगे सारे लोगों का अलग अलग कैटेगरी बाई कैटेगरी बांटा हुआ। अगर बच्चे लोग जाते हैं तो बच्चे लोगों का खेलने का अलग व्यवस्था है, अगर आप जवान हैं नौजवान हैं आपके अगर ये है तो आपके लिए जो है अलग से जिम का व्यवस्था किया गया। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपका जो उम्र है 50-60 साल, या फिर आप आराम करने जाते हैं तो आपके लिए जो है इधर जो है व्यवस्था किया गया है। थोड़ा आइएगा, इधर आइएगा, आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए आपके सामने में जो है एक छतरी आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये छतरी जो है कितना प्यारा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लोग जो है बैठ के जो है अपने माइंड को जो है शांतिपूर्ण कर सकते हैं। पूरे गढ़वा में अगर आप घूमेंगे तो पार्क की व्यवस्था एक थी जहाँ पर जो है लोग, बच्चे लोग इतना आ जाते थे, नौजवान लोग इतना आ जाते थे, बुजुर्ग इतना आ जाते थे, मतलब वहाँ पर शांति नहीं था। लोग जो है ज़्यादा आवाज़ किया करते थे, चाँव चूँ चाँ मू हुआ करता था, लेकिन एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पर पूरा व्यवस्था है, फुल्ली व्यवस्था इसके अंदर है। आपको अंदर में जाएंगे तो शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ड्रेस का चेंज करने की व्यवस्था है, आपको तमाम वो व्यवस्था है। और सबसे यूनिक चीज़ अगर आप देखेंगे तो सामने में देखिए एक आपको एक यूनिक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये यूनिक कहने के बहुत ही गजब तरीका से यूनिक है। सामने में एक बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि अभी इसके उद्घाटन नहीं हुई है। ये 3 तारीख को जो अभी पूरा तैयारी, ये फिनिशिंग किया जा रहा है, इसलिए वो आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक पर्दा लगेगा। ये पूरा कितनी अच्छी गजब तरीका से ये गढ़वा की सुंदरता को दिखाता है, गढ़वा की सजावट को दिखाता है। 3 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सुरेन का गढ़वा में आगमन हो रहा है। वो 3 तारीख से लेकर लगातार यहाँ पर कार्यक्रम है। उनके आगमन के बाद 3 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 4 तारीख को, 5 तारीख, जैसा कि एक शेड्यूल जो तैयार किया गया है, गढ़वा के लोग पूरा के पूरा लोग जो है उत्साह मना रहे हैं। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं जब 22 जनवरी को जो राम अयोध्या में जो है श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जिसमें पूरा देश जो है उत्साह मनाया था, लोग जो है दीपावली मनाने के शक्ल में जो है उस दिन को पर्व मनाए थे, उसी तरह गढ़वा के लिए एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक पर्व है। गढ़वा को जो सौगात मिलने वाला है, 5 ऐसे भवन है जहां पर ये गढ़वा को लोगों का सौगात मिले, उस सबसे इसके साथ साथ जो है कई ऐसे भवन है जिसका उद्घाटन होना है। इसके बाद जो है गढ़वा के DC महोदय शेखर जमुआर जी का जो आगमन हुआ है और वो अभी निरीक्षण कर रहे हैं, वो देखेंगे, देखे पार्क के अंदर वो जाएंगे, उनका निरीक्षण जो है चल रहा है। और बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क के अंदर माननीय जो है उपायुक्त महोदय जी का आगमन हो चुका है। देखिए लगातार बड़े बड़े अधिकारी लोगों का निरीक्षण हो रहा है।